मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। अंजार भोगली नदी में नजर आया 2 फीट लंबा सफेद सांप। बुधवार सुबह 7:30 बजे नगर के कुछ लोगों द्वारा 2 फीट लंबा सफेद सांप देखा। सांप नदी में स्वास्थ्य पानी में इधर से उधर घूमता हुआ देखा गया। लोगों ने सांप को दिखते ही उसके फोटो वीडियो बनाए। जीव विज्ञान के अध्यापकों के अनुसार सफेद दिखने वाले सांप दुर्लभ प्रजाति के होते हैं। SBN PG कॉलेज के जीव विज्ञान के अध्यापक डॉक्टर ML मेघवाल ने बताया, राजस्थान के उदयपुर में सफेद रंग के सांप दिखाई दिए। जिले में सफेद सांप मिलना काफी दुर्लभ है। वीडियो में चेहरा स्पष्ट नजर नहीं आने से उसकी प्रजाति का पता नहीं चल सका। नगर के योगेश सनूटिया द्वारा सांप को प्रथम बार देखने पर उसकी क्या प्रतिक्रिया रही, उसके बारे में हम जानते हैं। आइए बात करते हैं आज तक 24 न्यूज चैनल के लिए जिला चीफ ब्यूरो शकील मंसूरी की रिपोर्ट। आओ। उड़ा नहीं रही हो? मको बोल लगी को। क्या नाम है सर आपका? योगेश सनोटिया। अच्छा, आज सुबह सांप निकला था, कैसे क्या था? वो सांप जो सुबह 7 बजे जब निकला तो वो पूरा व्हाइट कलर का था, सफेद कलर का, और उसकी एक आँख थी। अच्छा, तो मौके पर भारी भीड़ वगैरह हुई है? हाँ, जब बच्चा मेरा बच्चा छोटे वाला आयुष भोलेनाथ को जल चढ़ा के वापस आए स्कूल जाने के लिए, तो उसको रास्ते में नदी में दिखाई दिया पानी में। उसने आके मुझे बोला, पापा नदी में सफ़ेद सांप। तो मैंने पहले विश्वास नहीं किया, फिर उसको मैंने उसने डबल से बोला, तो फिर मैं देखने गया तो मुझे वाकई में दिखाया और उसका वीडियो फोटो भी मैंने लिया है। अच्छा, कितना बड़ा था वो, कितना फीट का था? 2.5 फीट का समथिंग था वो।